तो आज इंडियन बाइक ड्रंथड़ी गेम में फ्रैंकलिन का हाउस पहुंच चुका है मेगा रैम के ऊपर। अरे भाई साहब, मेरा घर इस मेगा रैम के ऊपर कैसे पहुंच गया? अरे यार, इस अलार्म को कोई बंद करो यार, ये अलार्म इतना इस कान में चुभ रहा है ना, कभी कभी इतनी पिटे भाई, ये अलार्म मुझे तंग कर देती है। चलो अपनी अलार्म तो मैंने ही सेट की थी। तो आज है मेरे बॉस का बर्थडे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितने भी लोग मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं ना, हम सभी लोग मिल सरप्राइज देंगे। प्रिपरेशन के लिए मुझे घर से बाहर जाना है, लेकिन एक मिनट रुको गाइस, मेरे घर के बाहर ये पुलिस क्या कर रही है? किया भी नहीं, लेकिन चलो मैं इससे बात करता हूँ। हेलो ऑफिसर, मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? अरे तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। चलो ये तुम्हारा घर है, लेकिन जिस घर पे तुम रह रहे हो ना, ये घर ये सरकारी जमीन है। तुमने ये सरकारी प्रॉपर्टी पे अपना घर कैसे बनाया? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने ये सरकारी जमीन पे घर नहीं बनाया, मेरे पास रजिस्ट्री पेपर सब कुछ है, मैंने डीलर को पैसे वैसे सब कुछ दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, आज शाम तक ये तुम्हारे घर हट जाने चाहिए, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके भी पते। अरे सर नहीं, ये तो आप लोग दादागिरी कर रहे हो। सर मेरे डॉक्यूमेंट देख लो, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सर मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल कागजात हैं। तुम जल्दी से अपने घर को हटा लो, वरना तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। अरे सर मुझे जेल में नहीं जाना, तो ठीक, शाम तक इस घर को हटवा लेना। अरे यार, इन पुलिस वालों ने मुझे पूरा वार्निंग देकर गए कि ये शाम तक घर को हटा लेना। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, जिस डीलर से मैंने पैसे और कागजात लिए थे वो ऑफिशियल पेपर थी, ये कैसे हो सकता है गाइस? रुको रुको, मैं उस डीलर से बात करता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ। अरे फ़ोन उठा, जल्दी उठा। अरे फ़ोन ही नहीं उठा रहा, ये कहाँ पर है? रुको एक बार और ट्राई करते हैं। अरे उठा ले प्लीज़। अरे यार ये नहीं उठा रहा है, डीलर फेक लगता है। रुको, मुझे उसके घर का पता मुझे मालूम है, तो मैं उसके घर पे जाता हूँ और फेस टू फेस बात करता हूँ। आ क्या रहा है ये सब, तो लेट्स गो। मैंने अपनी तो सीधा चलते हैं उस डीलर के घर पे। अरे यार कौन सा घर था, कौन सा, क्योंकि मैं जब रजिस्ट्री कराने आया था तो इस घर में से वो निकला था। रुको सोचने दो। हाँ ये येल्लो वाला घर शायद था। रुको इसकी बेल बजाता हूँ, काश ये उसी डीलर का घर होता। ओ भाई फाइनली मुझे डीलर मिल गया। अरे यार तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की, तुमने मुझे सरकारी प्रॉपर्टी पे घर बनाया। अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सरकारी प्रॉपर्टी पे घर बना के नहीं दिया। तो फिर मेरे घर पे पुलिस क्यों आई थी और वो बोल रही थी कि ये सरकारी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा घर है? अरे सर उन लोगों से कोई गलतफहमी होगी, गलतफहमी गई तेल लगाने, उन्होंने हम लोग में शाम तक को मोहलत दी है कि शाम तक तुम अपना घर हटा लेना। अरे जल्दी से कुछ कर। सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो मैं एक बार ज़मीन बेच देता हूँ मेरा उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं रहता है। सर आप जानो अपनी परेशानी, मेरे से रहो दूर। तेरे से रहूं दूर? तूने तो मुझे ये ज़मीन बेची थी, अब धोखेबाज, अब तू ये मुक्का खा। अरे सर आपने क्या किया, मेरा मुंह तोड़ दिया। हा हा। सर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे धोखेबाज तू मुझे क्या छोड़ेगा, मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा मुंह तोड़ता हूँ। बट यार इसको मारने से कोई फायदा नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। रुको, पुलिस वालों ने मुझे ये बोला था कि तुम्हारा जमीन इल्लीगल है, मेरा घर इल्लीगल नहीं है। अगर मैं अपने घर को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर को शिफ्ट कहाँ पर करूँगा। हमारी सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने घर को सेट कर सकता हूँ, क्योंकि सारी सिटी की ज़मीनें गवर्नमेंट की हैं। जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी वहाँ पे तो ये शहर बन चुका है, और शहर में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं अपने घर को शिफ्ट कर सकूँ। कहाँ पर करूँ? हाँ याद आया, मैं एक जगह पे अपने घर को शिफ्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। बट यार प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे वहाँ पर अपने घर को शिफ्ट करने के लिए बहुत बड़ी क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे पास क्रेन है ही नहीं या। लेकिन क्रेन मुझे मिल जाएगी गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया में। तो चलो गाइस अपने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ, और वहाँ के मालिक से पूछते हैं कि वो मुझे क्रेन देगा कि नहीं। तो लेट्स गो गाइस।
कंस्ट्रक्शन एरिया पे तो मैं पहुंच चुका हूं गाइस। जो सामने आपको क्रेन दिखाई दे रही है ना, उस क्रेन से मैं अपने घर को शिफ्ट कर सकता हूं। गाइस मुझे एक क्रेन लेने के लिए ना मुझे इनके मालिक से बात करनी पड़ेगी। रुको रुको, ये रहा खड़ा मालिक। अरे भाई साहब, मुझे ये क्रेन ना आज के लिए भाड़े पे चाहिए, क्या आप मुझे भाड़े पे दे सकते हो क्या? अरे भाई, इसका किराया बहुत ज्यादा है, तुम इसका किराया चुका सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका किराया पूरा एडवांस दूंगा, पूरा चुका दूंगा। आप बताओ जल्दी से इसका किराया है कितना? तो सुनो ध्यान से, इस क्रेन का किराया है पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। अरे क्या बात कर रहे हो, एक दिन के 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए, अगर चाहिए तो बोलो, नहीं तो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अरे हाँ यार, हर कोई मजबूरी का फायदा उठाता है। चलो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए देके इस क्रेन को ले लेता हूँ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा गाइस। चलो भाई साहब, इस 2 लाख रुपए को आप अपने पास रखो और इस क्रेन को भाड़े के लिए दे दो। ठीक है ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस क्रेन की बैटरी डेड हो चुकी है, उस डेड बैटरी को तुम्हें ही लगानी पड़ेगी। हैं, बैटरी भी मुझे ही लगानी पड़ेगी और 2 लाख रुपए मैं खुद ही दे रहा हूँ, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, सही है, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मुझे चाहिए चाहिए। चलो यार, बैटरी की जुगाड़ मुझे ही करनी पड़ेगी। अरे यार, ये बैटरी मिलेगी कहाँ मुझे? अरे यार, एक टेंशन तो खत्म नहीं होती, दूसरी टेंशन पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अब मैं इस बैटरी को कहाँ ढूंढूं यार? रुको रुको गाइस, मैं अपने RJ स्टूडियो में देखता हूँ कि ट्रेन बैटरी कहाँ मिलेगी। तो मैं टाइप करता हूँ ट्रेन बैटरी, देखता हूँ क्या आता है। तो मैंने टाइप कर दिया ट्रेन बैटरी। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, मुझे ट्रेन बैटरी की लोकेशन तो आई है, लेकिन ये लोकेशन मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आसपास तो गाइस पानी है। हाँ याद आया, समुद्र के पास है। तो जल्दी से अपने बाइक को उठाते हैं और चलते हैं समुद्र के पास। तो लेट्स गो गाइस। तो ये देखो गाइस, मुझे सामने ना ये चैलेंज दिखाई दे रहा है और मुझे काफ़ी ये चैलेंज मुश्किल से पार करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते गाइस उसके पास। अरे यार, आप लोग को तो पता ही है, पुलिस वालों ने मुझे शाम तक का समय दिया है, वरना ये शाम तक मेरे घर को तोड़ देंगे। और मैं नहीं चाहता गाइस मेरे प्यारा सा घर टूट जाए, क्योंकि गाइस जमीन से ज़्यादा मेरे घर के पैसे हैं, क्योंकि मैंने इस घर में 30 करोड़ रुपए लगाए हैं यार। जमीन की कीमत ना गाइस 40 लाख रुपए है, लेकिन मेरे घर की कीमत 30 करोड़ रुपए है यार भाई। मैंने बहुत मेहनत से उस घर को बनाया है यार भाई। तो जल्दी चलो इसको पूरा कर लेते। तो यहाँ से मैं बच के निकला और यहाँ से जल्दी से लेफ्ट मुड़ते हैं। तो लेट्स गो गाइस। लेकिन गाइस आप मानो या ना मानो, ट्रेन का भाड़ा बहुत ही ज्यादा था, उसने मुझे लूट लिया, 2 लाख रुपए एक दिन के गाइस। यार कोई बात नहीं, मैंने ट्रेन को चलाने के लिए ना 2 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि मुझे कहीं और मिल नहीं रही थी। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है, वो क्रेन चलाने के लिए ना मुझे डेड बैटरी चाहिए और बैटरी मुझे जल्दी से ढूंढनी पड़ेगी। और ये मैं यहाँ पे पहुँच गया भाई। गाइस बाल बाल मैं बचाऊँ, मुझे लगा कि बाइक यहाँ पे चढ़ ही नहीं पाएगी। चलो गाइस, इतना चैलेंज तो बाइक ने पूरा कर लिया और अब मुझे चलना है सामने की तरफ। तो चलो चलते इस तरफ गाइस। तो मुझे सामने से दिखने में लग रहा है ऐसा गाइस कि ये चैलेंज खत्म होने वाला है, क्योंकि सामने मुझे फिर से बीच दिखने लगा है। ओके, मुझे सामने से ऐसा देखने में लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से फिर से एक जंप लगाई। ओ भाई, वेट गाइस, पहुंच गया। अरे भाई भाई भाई, अरे रुक जा। अरे भाई साहब, मैं बाल बचाऊं गाइस, नीचे गिरते बचाऊं गाइस। वो तो ये ठीक है गाइस कि मैंने सही वक्त अपने बाइक को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो आज पुलिस वाले मेरा घर पक्का तोड़ देते गाइस बुलडोजर से। तो चलो फटाफट से चलते गाइस और इधर मुड़ते हो। और ये देखो गाइस, ये सामने से ये रैंप हो चुका है खत्म और इसी के नीचे रखी हुई है ये बैटरी। तो जल्दी से बैटरी को लेकर आते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हमें बैटरी मिल चुकी है, ये बैटरी काफ़ी छोटी है गाइस। मुझे लगा है कि ये क्रेन इतनी बड़ी है तो बैटरी बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसको अपने बैग में रखते हैं और क्रेन में लगा देते हैं। तो क्रेन में फिट करके मैं अपने घर को उठा के मेगा रैम के ऊपर ले जाऊंगा गाइस। हाँ आपने सही सुना, मेगा रैम के ऊपर। ना मेगा रैम किसी सरकार का है, ना किसी बंदे का है, मैं वहाँ पे अपने घर को इजीली शिफ्ट कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक भी करने नहीं आएगा, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। तो जल्दी से चलते हैं गाइस। तो ये उठाया अपने घर को मैंने क्रेन से और चलते हैं जल्दी से मेगा रैम के ऊपर। तो चलो चलो चलो, कहीं टकराना मत, आराम से चलो। ओ भाई,
और ये हम लोग पहुंच चुके हैं रे मेगा रैम के पास और अपने घर को अब धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। तो चलो चलो उठ जा भाई, आराम से, टकराना मत कहीं पे, कहीं गिरना मत, आराम से चलो। तो ये मैंने अपने घर को रख दिया सीधा मेगा रैम के ऊपर, वो भी सेफली और आराम से। ये देखो गाइज, मैं मेगा रैम के ऊपर रखने के बाद कैसा लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं हवे में हूँ, तो मजा आ गया गाइज। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइज।